तो मुस्तफा ने जिसको जैसा कह दिया तो हो गया, डाल कर कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। और मुस्तफा की शान शौकत उनकी अजमत रहने दो, मुस्तफा की अजमत अपनी जगह, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला की शान अपनी जगह, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला की वकार अपनी जगह। उनसे पहले मुस्तफा के घर का जो गुलाम है उनकी वारदात का जायजा ले, कहता है कि मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मंगता जो आए मांग ने सुल्तान कर दिया, खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। मुस्तफा ने जिसको जैसा कह दिया तो हो गया, डाल कर कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। मुस्तफा की शान शौकत उनकी अजमत रहने दे, अरे गौस ने मुर्दे को जिंदा कह दिया तो, गौस ने मुर्दे को जिंदा कह दिया तो हो गया। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आकर कहते हैं, मुख्तसर में वाकया तो सुन है, सरकार गौसे आजम की बारगाह में आकर कहते हैं, आप अगर अल्लाह के नबी है, आप अगर अल्लाह के मुकद्दस वली है, तो आप हमको एक करामत दिखा दीजिए, मैं ईमान ले आऊंगा। ईसाई है, हजरत ईसा अलैहि सलाम के मानने वाले हैं, हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने इरशाद फरमाया, क्या तुम जिंदा देखना चाहते हो या उनकी कमाल भी देखना चाहते हो, यानी दुनिया में क्या करता था वो भी मैं बता दूं या मुर्दों को जिंदा करके मैं बता दूं। ईसाई कहता ठीक है, पहले जिंदा कर दीजिए, अगर उसकी कमाल भी आप बता देंगे तो दुनिया में क्या करता था वो भी अगर बता देंगे और अच्छी बात है। सरकार गौसे आजम को ले दिया एक बहुत पुरानी कब्र पे, वो सीधा कब्र पे चला गया, बहुत पुरानी कब्र है, कहा आप अगर अल्लाह के वली है इस कब्र से मुर्दे को जिंदा कर दीजिए, मैं मान जाऊंगा आप बेशक सच्चे अल्लाह के वली। अच्छा, और ये सिर्फ जिंदा ही देखना चाहते हो या दुनिया में क्या करता वो भी देखना चाहते हो, बता दो। कहता दुनिया में ये इंसान सारंगी बजाया करता था, और तुम देखना चाहते हो तुम्हारे नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम क्या कहकर जिंदा करते थे, तुम बेइज्निल्लाह उठ अल्लाह के हुक्म से, हजरत ईसा अलैहि सलाम तुम बेइज्निल्लाह उठ अल्लाह के हुक्म से, और तुम करामत देखना चाहते हो तो देखो, सरकार गौसे आजम ने अपने कदम पर ठोकर मारा और कहा तुम बेइज्नी उठ मेरे हुक्म से, वही तो वो इंसान जो सबसे पुराना कब्र है, उस कब्र से वो इंसान खड़े हो गया सरंगी बजाते हुए और साबित कर दिया कि जो अल्लाह का नेक बंदे होते हैं वो उनकी बातों को रद्द नहीं किया जाता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। तब शार कहता है कि मुस्तफा की शान शौकत उनकी अजमत रहने दो, अरे कौस ने मुर्दे को जिंदा कह दिया तो, कौस ने मुर्दे को जिंदा कह दिया तो हो गया। ये है कलाम सरकार गौसे आजम, ये है कलाम सरकार गौसे आजम, कहते हैं कि जब उनकी दुआ भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार क्या होगा। किस इंसान के दिल में नहीं है क्या कर पुलिस से ढंग से राजी हो जाए, कोई नेकी करता है तो दिल में ख्वाहिश रहती है काश अल्लाह तबारक व तआला इसके एवज में कयामत के दिन हमको जहन्नम से बचा कर चले, कुरान खानी करवाया दिल में तमन्ना है अल्लाह हमसे राजी हो जाए, सबका किया दिल की तमन्ना है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, खैरात किया दिल में तमन्ना है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, नेक अमल किया प्रोग्राम करवाया दिल में तमन्ना है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अपने सर को सजदे में टेक दिया दिल में तमन्ना है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, इबादत किया दिल की तमन्ना है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, रियाजत किया दिल में ये तमन्ना है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अब सुनो मुसलमानों, इस दुनिया में हजरत आदम अलैहि सलाम को शरीफ रहा है दिल में यही सोच मुसलमान है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, हजरत मूसा अलैहि सलाम इस बारे खेती पर तशरीफ रहा है तो दिल में यही तमन्ना है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, हजरत ईसा अलैहि सलाम इस दुनिया में तशरीफ रहा है तो दिल में यही शौक मौज हसन रहा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, हजरत नूह अलैहि सलाम इस
अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की तमन्ना अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। गोया के दुनिया में जितने अंबिया आए हैं सबके दिल की तमन्ना है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। जितने औलिया आए हैं सबके दिल की तमन्ना है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। सालेहीन आए हैं दिल की तमन्ना है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। सहाबा इकराम आए हैं दिल में यही तमन्ना है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अबू बकर दिल की तमन्ना अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। उस्मान गनी की दिल की तमन्ना अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मौला अली की दिल की तमन्ना अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हजरत उमर फारूक के दिल की तमन्ना अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अबू हुरैरा के दिल की तमन्ना अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हजरत अनस बिन मालिक के दिल की तमन्ना अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हजरत दानियाल के दिल की तमन्ना अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन जहाज के दिल की तमन्ना अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। साथ ही अपने अबू वक्कास के दिल की तमन्ना अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। कोया के हर इंसान के दिल की तमन्ना है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। चरिंदो बरिंद के दिल की तमन्ना अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। शजरे हजर अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। पहरे पर अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। खुशको तर अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। शमशो कमर अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। चांद की चांदनी अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। सितारों की चकमकाहट अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। गोया के हर इंसान के दिल की तमन्ना है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। सारी दुनिया के दिल की तमन्ना है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की रजा चाहता है, अपने महबूब की रजा चाहता है। और कैसे चाहता है? कलाम मुकद्दस में इरशाद फरमा दिया, वला सौफ युतीक रब्बुका फ़तरज़ा। ए महबूब, हर करीब तुम्हारा रब तुमको इतना अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा, कि तू राजी हो जाएगा। तभी तो बरेली शरीफ के सरजमीन से हमारी सुन्नियत की शान, हकानियत की जान, इसके इमाम जिनका है मुकद्दस नाम, जिनको हम औरत कहते हैं इमाम अहमद रज़ा खान, उसी के आगे लिखा है अलैहि रहमत और रिज़वान, उसी का है मुकद्दस फरमान। वो फरमाते हैं अभी भी या रसूल अल्लाह ज़ाहिर सताए बलाए मोहम्मद, ज़ाहिर शहद ज़ेर पाए मोहम्मद, और खुदा की रज़ा चाहता है दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ा। सुभानअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्लके आला हजरत, जश्ने गौसे मना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया की हर चीज चाहती है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चाहता है बस मुस्तफा जान नामो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी हो जाए। गुलजार पर उम्मती गुजर रहे हैं और मुस्तफा जान नामो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे में टेके हैं। रब सलीम उम्मती, रब सलीम उम्मती। वो नबी जो अपने गुनहगार उम्मतियों को पुलसरात पर याद कर रहा है, वो नबी जब निशान पर नेकी और बदी का वजन किया चाहेगा वहां पे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर के सजदे में टेके हैं और रब हबीब उम्मती की सदा जा रही है। ए मेरे रब, मेरे उम्मतियों को मेरे हवाले फरमा। आधे कौसर पर, जब आधे कौसर पर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से अपनी उम्मतियों को जान अपनी उम्मतियों को हर वक्त याद कर रहे हैं और जब अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को याद, जब हबीब को अल्लाह तबारक व तआला याद फरमाता है और हबीब अपनी उम्मतियों को याद फरमा रहे हैं, समझो मुसलमानों कितनी मोहब्बत है। लेकिन वो उम्मती किसी चीज का ख्याल नहीं करते। नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए टाइम नहीं है, महफिल में आकर कहा जाए बैठने के लिए टाइम नहीं है, कोई नेक अमल करने के लिए कहा जाए कहना हमको क्या काम है कहना, कोई भेद नहीं, कोई तवज्जो नहीं। लेकिन मुस्तफा दार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानो, दुनिया फानी है, दुनिया में आई है बाहर, एक जगह छोड़ो भी कच्ची खराब बड़ी तबाह, सारी कायनात फना हो जाएगी, सारी दुनिया फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली साफ सिर्फ अल्लाह रब ने सोचा। इसलिए मुसलमानों, जो वक्त हमको मिला है उसको कीमती समझे, वरना दुनिया से जाने के बाद आप कहेंगे ए मेरे मौला एक वक्त एक टाइम एक मोहलत हमको और दे दो, जाकर कहना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तो जो दुनिया में जिंदगी मिली है उसको गनीमत समझे, कीमती समझे। क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी भूला है पानी का, क्या ठिकाना है भाई, किसी को मालूम नहीं है। खैर, आपकी बहुत बहुत
अगर तुम्हारे मजाला की भाग में दुआ है तो प्रभु जी आने आलम कब से बोलने में छोटे लक्षण या सब हम गलतियां